सूर्य का राशि परिवर्तन करियर में लाएगा, मुश्किलें आर्थिक संकटों में घिरेंगे ये चार राशि वाले, जाने अशुभ प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, सूर्य का गोचर सिंह राशि में 16 अगस्त को होगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और एक साल बाद वह अपने घर में आएगा। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने से चार राशि के जातकों को सावधान रहना होगा, उनको करियर और आर्थिक मोर्चे पर हानि उठानी पड़ सकती है। आइए जानते हैं कि अगस्त में सूर्य के सिंह में गोचर करने से किन चार राशियों पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। कर्क राशि। सूर्य के गोचर का नकारात्मक प्रभाव कर्क राशि के लोगों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच आपको करियर और सेहत को लेकर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने काम को गुप्त रखकर करना होगा, नहीं तो वह असफल हो सकता है। इस बीच आपको आंख का ध्यान रखना होगा, कोई परेशानी हो सकती है। बिना डॉक्टरी सलाह के कोई दवा ना लें, उससे आपको हानि हो सकती है। कन्या राशि। अगस्त में सूर्य के राशि परिवर्तन का दुष्प्रभाव आपकी वित्तीय स्थिति पर पड़ सकता है। 16 अगस्त से आपको रुपए की कमी हो सकती है। धन का संकट कर्ज लेने के लिए बाध्य कर सकता है। इस बीच आप किसी को रुपए पैसे न दें, वह फंस सकता है, वापस मिलना मुश्किल हो सकता है। आपको भी अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए। मकर राशि। तो सूर्य का गोचर मकर राशि के लोगों के करियर के लिए नकारात्मक असर वाला हो सकता है। आपके विरोधी आपके खिलाफ साजिशें कर सकते हैं और आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। वे आपके यश और कीर्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको आग और दवाओं के रिएक्शन से बचकर रहना होगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कुंभ राशि। सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण एक महीने तक आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनको सावधान रहना होगा। यदि पार्टनरशिप का कोई प्रस्ताव आता है तो उससे दूर रहना अच्छा होगा। सूर्य के नकारात्मक प्रभाव से आपका वैवाहिक जीवन तनावग्रस्त हो सकता है। जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।